हेलो फ्रेंड्स, अपना किचन में आप सबको मैं स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे पिज्ज़ा की स्वाद में एक टोस्ट। ये बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। ये देखिए, अभी बाउल में बारीक कटी हुई एक खांदा मैं अभी ले रही हूँ। देखिए, और एक शिमला मिर्च वो भी बारीक काट के लेंगे। एक छोटा टमाटर छोटा छोटा करके वो भी मिलाएंगे। अभी थोड़ा सा नमक, चीज में भी नमक रहेगी इसलिए थोड़ा आप कम करके डालेंगे। अभी हरी मिर्च बारीक करके मिला रही हूँ। अभी काली मिर्च जो है इसमें लेके पाउडर करके आधा चम्मच इसमें मैं मिला रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा आपको। अभी थोड़ा सा टमाटर केचप एक चम्मच ले रही हूँ। हरा धनिया साफ करके बारीक काट के वो भी मिलाएंगे। अभी इटालियन हर्ब, इटालियन मिक्स्ड हर्ब जो है एक चम्मच में मिला रही हूँ। इससे ही पिज्ज़ा का स्वाद आपको आएगी। अगर ये नहीं मिला तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन पिज़्ज़ा बनाने का काम तो छोड़िएगा नहीं। ओके, अभी लास्ट में इसमें थोड़ा ऑयल आधा चम्मच मिलाएंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। आप रात को इसको तैयार करके फ्रिज में रख देंगे ना, सुबह फटक से आप टोस्ट प्रिपेयर करके बच्चे को दे सकते हैं। एकदम हेल्दी ब्रेकफास्ट हो जाएगी, बहुत ही पसंद करेंगे बच्चे। अभी मैं दो स्लाइस ब्रेड लिया हूँ, इसमें थोड़ा सा बटर अप्लाई करेंगे। अच्छी तरह से पूरा जगह पे लगाएंगे, मेल्टेड रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, फटक से हो जाएगा। अभी इसमें मैं स्लाइसेस वाला चीज इस्तेमाल कर रही हूँ। एक स्लाइस चीज इसमें ब्रेड के ऊपर हम रखेंगे। अगर आपको ये स्लाइस नहीं मिलेगा ना, कोई बात नहीं, आप अमूल का जो चीज़ है क्यूब वाला वो लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जो बाजी का मिक्सर है हम इसमें रखेंगे। एक दो चम्मच छोटा चम्मच से आराम से आ जाएगा, आराम से रखेंगे। दूसरा ब्रेड में भी थोड़ा सा बटर अप्लाई करेंगे। इसमें भी चीज रखेंगे। अभी इसको दोनों ज्वाइन करके दबा दीजिएगा धीरे से जरा। अभी ये हो गया तैयारी आधा। अभी इसको तवा में या तो नॉन स्टिक पैन में हम टोस्ट करेंगे। दो मैंने तैयार करके रखी हूँ। देखिए, नॉन स्टिक पैन लिया, उसमें थोड़ा सा बटर अप्लाई किया, अभी ये मेल्ट हो चुकी है। धीरे से रखिए, आराम से इसको पकने दीजिएगा। दो मिनट लगेगा ज़्यादा ज़्यादा। बाजू में खड़े होके करिएगा, एकदम ब्राउन कलर आना चाहिए, काला नहीं होना चाहिए। ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, पलटी करेंगे इसको। देखिए, ब्राउन कलर आया है, ये मतलब रेडी हो गया। अंदर से वो जो चीज़ है वो मेल्ट होना चाहिए और बाज भी थोड़ा सा
पकना चाहिए। ऑलमोस्ट दोनों भी रेडी हो गया, तो हो जाए अपना पिज्जा की स्वाद में मिनी टोस्ट, छोटा गांव से लेके बड़ी शहर तक। देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत पसंद आएगा बच्चे लोगों को, गर्मा गर्म खिलाइएगा। आपको मैं अभी काट के दिखाऊंगी। देखिए एकदम बाहर से क्रिस्पी और अंदर से यम्मी जूसी क्रीमी पिज्जा आपके सामने तैयार है। आप पिज्जा समझे या टोस्ट समझे, बहुत ही अच्छा रहेगा। एंजॉय करिए, इतना देर हमारे साथ आपने बिताया, थैंक यू सो मच। हमारे चैनल सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा प्लीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई डियर, बाय।